हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ स्टडी थ्री वे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देंगे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आप ऑनलाइन 5 मिनट के अंदर घर बैठे लिंक कर सकते हो। कैसे लिंक करना है इस वीडियो के अंदर आप लोग को कंप्लीट जानकारी मिलेगा। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए अपने मोबाइल में पहले गूगल को ओपन कर लीजिएगा। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ गूगल सर्च बार में आपको लिखना है IPPB, ठीक है। IPPB लिखकर आपको सर्च करना है। उसके बाद यहाँ फर्स्ट में लिंक मिलेगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा 3 लाइन का, ठीक है। 3 लाइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए IPPB कस्टमर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। थोड़ा नीचे एक तरफ स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा आधार मोबाइल अपडेट, इसी वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद एक फॉर्म खुलकर ओपन हो जाएगा नीचे की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर MRS सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम आपको डाल देना है जो आधार कार्ड पर नाम है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम आपको डाल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो मोबाइल नंबर लिंक करना है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद ईमेल आईडी का ऑप्शन है तो ईमेल आईडी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एड्रेस आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड लाइन में सेम एड्रेस को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड का ऑप्शन है तो अपने गांव का पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पोस्ट ऑफिस का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सभी जानकारी आ जाएगा आपका। अब दोस्तों यहाँ रिक्वेस्ट में आपको लिखना है आधार नंबर टू लिंक मोबाइल नंबर, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आधार नंबर टू लिंक मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टिक लगाना है। यहाँ पर देखिए कैप्चा दिया है, ठीक है। इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए योर सबमिशन हैज़ बीन सक्सेसफुली, यानी आपका फॉर्म ये सबमिट हो गया है। और ये फॉर्म दोस्तों आपके जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर सबमिट हुआ है। और जो भी कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस का वो आपके घर आएंगे 24 घंटे के अंदर और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर देंगे। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने का चार्ज है मात्र 50 रुपया। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑनलाइन घर बैठे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो।